Hey students, my name is Sahil Ahmed and today in this video lecture we are going to study human male reproductive system. So ये video four parts में divided है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे testis, then accessory ducts, accessory glands and then external genitalia. तो सबसे पहले testis से शुरू करते हैं. A pair of testis is present inside scrotum outside abdominal cavity. What does this mean? So एक pair of testis present है, दो testis present है. कहाँ पे? Inside the scrotum, scrotum के अंदर, जो कि abdominal cavity के बाहर present होता है, ठीक है? Scrotum ऐसा एक sac-like structure है, जिसके अंदर दो testis present है, ठीक है? अब इस वाले part से एक बहुत ही important question बन के आता है, which is most asked in exam, final exams of class 12th, that कि ये जो testis है, वो abdominal cavity के बाहर क्यों present है? ठीक है, स्क्रॉटम के अंदर क्यों प्रेजेंट है? ठीक है, सो बिकॉज स्क्रॉटम जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म. स्पर्म सिंथेसिस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टेम्परेचर. ठीक है, इसीलिए क्या है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, सो वहाँ पे स्पर्म सिंथेसिस नहीं हो सकता है. ठीक है, आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए आपको यही वाला आंसर लिखना है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, विच इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, विच इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, शेप एंड साइज. सो स्पर्म का शेप कैसा होता है? स्पर्म इज ओवल इन शेप. ओके, एंड बात करते हैं इसके साइज की. तो इसका इजी ट्रिक है इसके साइज याद करने के लिए, आप 2 से स्टार्ट कीजिए. ठीक है, सो 2 to 4 सेंटीमीटर इन विथ, इसका जो टेस्टिस का विथ है 2 to 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, याद रखना साइज, जब भी आपको अगर याद भी ना रहे, अगर आप ये ट्रिक से याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा. ठीक है, इसका जो विथ है 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, विथ है. ठीक है, 2 से शुरू किया और 3 to 4 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट है. ठीक है, सो ये साइज हो गया एक टेस्टिस का. अब ये जो टेस्टिस का कवरिंग है, ठीक है, ये टेस्टिस का जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया. ठीक है, क्या कहते हैं? टेस्टिस के कवरिंग को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया. ठीक है, सो ये तो हो गए टेस्टिस के बेसिक फीचर, कितने टेस्टिस है, साइज क्या है, स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट रहता है. अब इस टेस्टिस के अंदर के पार्ट्स को थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के रखा है, फ्लो चार्ट पे ध्यान दीजिए. अब इस टेस्टिस के अंदर ये जो टेस्टिस है ये 250 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है. ठीक है, ये अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है. अब ये एक पार्टिकुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है, टेस्टिकुलर ये जो सारे कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, ये 250 कंपार्टमेंट्स है, हर एक पार्टिकुलर कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, ये 250 कंपार्टमेंट्स में बढ़ चुका है और इस पार्टिकुलर कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में एक आपको छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ. ठीक है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या है, 250 कंपार्टमेंट्स है, मान लो ये एक कंपार्टमेंट है. ठीक है, इस कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, इस कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल और इस कंपार्टमेंट के अंदर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 3 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ठीक है, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये डिवाइडेड होते हैं, लाइंड होते हैं, इनके अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं. ठीक है, एक सेल होता है सर्टोली सेल एंड दूसरा जो होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग कहते हैं मेल जर्म सेल भी कहते हैं. स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल भी कहते हैं. अब देखो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है, 250 कंपार्टमेंट्स में हर एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को, एक कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ मैंने दिखाया ना, ये जैसे एक कंपार्टमेंट है, एक कंपार्ट के अंदर 1, 2 या 3
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, सो स्पर्मेटोगोनिया क्या है, वो मेल जर्म सेल है, और सर्टोली क्या है, नर सेल है जो कि नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनिया को। सो हमें इससे ये पता चला कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है यही आपका स्पर्म है जिसको नोरिश करता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज अबाउट टेस्टिस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। सो मेल एक्सेसरी डक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये जो मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बताए थे 250 कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर क्या है, एक कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, सो मान लो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर 1, 2, 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीनों क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसके जो बाहर का एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये बाहर वाला जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स। ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम लोग कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स। इन सेल्स को हम लोग लेडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन सेल्स को हम लोग लेडिक सेल्स के भी नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजेन। एंड्रोजेन इज ऑल्सो नोन बाय टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेंटेन करती है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं एक्सेसरी डक्ट्स को अच्छी तरह से। सो एक्सेसरी डक्ट्स को समझने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना लिया है ताकि हम डक्ट्स को अच्छे तरह से समझ पाए। सो एक्सेसरी डक्ट्स का क्या काम होता है, एक्सेसरी डक्ट्स का बस इतना सा काम होता है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक पाथ के थ्रू मीटस से बाहर लाना है। ठीक है, मीटस से बाहर क्यों लाना है, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके और मीटस के थ्रू जो स्पर्म बाहर आए और इंसेमिनेशन हो सके। ठीक है, सो बेसिकली एक्सेसरी डक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे पाथ ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म किस तरह से बाहर तक आता है, ठीक है, उसका प्रॉपर पाथ पढ़ेंगे। सो पाथ को पढ़ने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वो फॉर्मूला है एस आर वे वो। ठीक है, यहाँ पे यू लिखना है आपको, एस आर वे वो, एस आर वे वो। अब इसका मतलब समझते हैं, ये फॉर्मूला याद करने से क्या है, आपको जो स्पर्म का पाथ है बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, एस का मतलब हो गया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एस का मतलब हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आर का मतलब हो गया रेटी टेस्टिस। ठीक है, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर ये रेटी टेस्टिस के थ्रू होकर आता है। ये वाला जो रीजन है ये डेंस रीजन है। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस से होता हुआ यहाँ पे बहुत सारे वासा एफेरेंटिया होते हैं, वासा एफेरेंशिया, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं, वासा एफेरेंशिया के थ्रू ये एपिडीडाइमिस में आते हैं, और एपिडीडाइमिस से ये जो आपको वास डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, ये एपिडीडाइमिस का टेल में क्या है, वास डिफरेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी जॉइनिंग से जो भी स्पर्म पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर रेटी टेस्टिस तक गया, रेटी टेस्टिस से वासा एफेरेंशिया में आया, वासा एफेरेंशिया से एपिडीडाइमिस में, और एपिडीडाइमिस से फिर ये वास डिफरेंस में गया, वास डिफरेंस से जाकर ये क्या है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से होकर मीटस के थ्रू निकल जाता है। अब देखो फॉर्मूला से किस तरह से आपको कितने आसानी से याद हो जाएगा, एस आर वी ई वी यू, एस आर वे वू, बस इतना सा आपको याद करना है। एस से हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आर से रेटी टेस्टिस, वी से वासा एफेरेंशिया, ई से एपिडीडाइमिस, वी से वास डिफरेंस एंड यू से यूरेथ्रा। ठीक है, जिस तरह का पाथ है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ से स्पर्म निकला,
स्पर्म निकलकर रेटी टेस्टिस में आया, रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में आया, वासा एफरेंशिया से एपिडीडाइमिस में आया, एपिडीडाइमिस से ये वास डेफरेंस में हुआ, वास डेफरेंस से ये यूरेथ्रा में आकर मीटस के थ्रू निकल जाता है। सो ये था पाथ ऑफ स्पर्म जो कि हम लोग ने एक्सेसरी डक्ट्स में पढ़ा। और एक्सेसरी डक्ट्स क्या है, ये जितना भी हम लोग ने पढ़ा वासा एफरेंशिया, रेटी टेस्टिस, ठीक है, एपिडीडाइमिस, ठीक है, वास डिफरेंस, ये सारे क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स है, ठीक है, पाथ है जिसके थ्रू स्पर्म क्या है यहां से निकलकर वो मीटस के थ्रू बाहर आ जाता है जिससे इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स के बाद हम लोग समझते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बोरेथरल ग्लैंड। सो एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिर्फ एक ही है, जबकि सेमिनल वेसिकल एक पेयर में प्रेजेंट है, बल्बोरेथरल ग्लैंड भी एक पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, मैं डायग्राम में आपको लोकेट करके बताता हूँ कहाँ पे है। देखो, ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये एक पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बाद ये जो बल्बोरेथरल ग्लैंड है, बल्बोरेथरल ग्लैंड भी एक पेयर में प्रेजेंट है, बट ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये एक ही है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इस चीज को ध्यान में रखना। सो इनका काम क्या होता है, ये ग्लैंड है, जरूर कुछ ना कुछ सिक्रीट करते होंगे। सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक मिल्की सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, एक मिल्की सिक्रीशन रिलीज करता है जिसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये नोरिश करते हैं स्पर्म को, ठीक है, नोरिश करके और उसको एक्टिवेट करते हैं टू स्विम। ठीक है, स्पर्म क्या है, स्पर्म ठहरा हुआ होता है। ओके, सो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीट करता है उससे क्या है, स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है और स्विम करने लगता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। सो सेमिनल वेसिकल एक म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन रिलीज करते हैं, ठीक है। सो इसका क्या काम होता है, इसके अंदर होता है फ्रुक्टोज। हमें जैसे कि पता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे क्या है, एनर्जी देती है, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो उसी तरीके से ये जो सेमिनल वेसिकल है जो सिक्रीशन सिक्रीट करती है, म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन जो भी ये सिक्रीट कर रहा है उसमें क्या है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। तो वो फ्रुक्टोज जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है किसे, स्पर्म को, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, ताकि वो अच्छे तरह से स्विम कर सके। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, वो एक मिल्की सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, उसी मिल्की सिक्रीशन में क्या है, स्पर्म्स स्विम करते हैं और इंसेमिनेशन के दौरान वो इजीली एग तक पहुंच जाते हैं। और फिर बल्बोरेथरल ग्लैंड का क्या काम है, ये एक, इसको हम लोग कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, बल्बोरेथरल ग्लैंड, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वर्क ऑफ बल्बोरेथरल ग्लैंड, इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कूपर्स ग्लैंड। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि बल्बोरेथरल ग्लैंड और कूपर ग्लैंड जो है दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, ये एक म्यूकस फ्लूइड रिलीज करता है जो कि प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन टू द पेनिस। ओके, इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसमें डायग्राम में कुछ पार्ट्स रह गए, मैं दिखा देता हूँ, इट्स क्वाइट सिंपल। डायग्राम का आधा हिस्सा तो हमने पहले ही समझ लिया, इसलिए मैंने क्या किया, डायग्राम को समझाने से बेटर मैंने ये समझा कि सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, डायग्राम अपने आप क्लियर हो जाएगा, साथ ही मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। सो एक क्विक रिकैप करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो टेस्टिस के क्या है, 250 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, हर एक कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस लोब्यूल्स के अंदर क्या है, 1-3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड ऑन इट्स इनसाइड। ठीक है, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म बनकर निकल कर आता है, और सर्टोली सेल क्या है, नर्स सेल है जो कि नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। ठीक है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है उसके जो बाहर का रीजन है वो इंटरस्टिशियल सेल्स जो है उनको हम लोग लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स का क्या काम है, हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं, विच मेंटेन्स द मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेन। ठीक है, सो ये तो हो गई टेस्टिस की बात। उसके बाद हम लोग ने बात की एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। तो एक्सेसरी डक्ट्स में हम लोग ने वो फॉर्मूला देखा, ठीक है, जहाँ पे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में आया, ठीक है, और उसके बाद वासा एफरेंटिया में, उसके बाद एपिडीडाइमिस में, उसके बाद वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से होता हुआ ये क्या है, यूरेथ्रा में आया और मीटस के थ्रू स्पर्म जो है
रिलीज हो गया। उसके बाद हम लोग ने देखा एक्सेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोलेथरल ग्लैंड। सो प्रोस्टेट ग्लैंड एक मिल्क सिक्रेशन रिलीज करता है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड, लिपिड, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नोरिश करता है और एक्टिवेट करता है स्पर्म को टू स्विम। उसके बाद सेमिनल वेसिकल म्यूकस और एक वाटरी एल्कलाइन रिलीज करता है जिसके अंदर क्या है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म फॉर स्विमिंग। उसके बाद हमने देखा बल्बोलेथरल ग्लैंड में, बल्बोलेथरल ग्लैंड को हम लोग कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो कोपर्स ग्लैंड है ये क्या है, इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।